जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। दोस्तों अब की बार यूपी पीसल में अपने नाम का झंडे गाड़ के रहना है आपको, चाहे उसके लिए एग्जाम का खून क्यों ना पीना पड़ जाए। अगर हद से गुजरना पड़े तो गुजर जाना, परवाह नहीं। अगर जीतने का हो जज्बा और हौसला है भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, अगर थकना ना हो मंजूर। बिल्कुल दोस्तों, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, हम आपके लिए दोस्तों लगातार क्लास पे क्लास लेकर आ रहे हैं। अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और दोस्तों उससे पहले डीआरडीओ का दोस्तों स्किल टेस्ट का टाइम आ रहा है। स्किल टेस्ट के लिए जो भी विद्यार्थी दोस्तों सिलेक्ट हो चुके हैं उनको दोस्तों हमारी ओर से शुभकामनाएं। वो तैयार हो जाइए, अवेयर हो जाइए दोस्तों डीआरडीओ स्किल टेस्ट के लिए, और क्या पूछा जाएगा उसको दोस्तों अनुभव कराते हुए हम एक सेशन ले चुके हैं। जानिए ए टू जेड जानकारी, संपूर्ण जानकारी दोस्तों वहां पर दिया गया है हर एक टॉपिक के बारे में कि क्या पूछा जा सकता है। आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है 122 नंबर से, यानी कि सेंचुरी हम क्रॉस कर चुके हैं, 122 नंबर दोस्तों, बड़ा ही खुश नसीब क्वेश्चन है ये। हमारा पहला क्वेश्चन तैयार होता है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका ई नोट्स आपको दोस्तों मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन करिएगा और ई नोट्स साथ में लेते रहिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा काम की चीज है। चार ध्रुव 250 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र प्रवर्तन प्रेरणी मशीन 1760 आरपीएम पर चलते समय 5.3 एम्पियर की पूर्ण लोड करंट लेती है। यदि मशीन की संपूर्ण दक्षता 64 हो तो मशीन का स्लिप क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम तार तार कर देंगे दोस्तों, भले इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत छोटा इसका आंसर आने वाला है। देखिएगा इसका क्या होगा, स्लिप दोस्तों, स्लिप क्या है इसका, है ना। सबसे पहले आपको दोस्तों देखिए, जो स्लिप है ना वो होता है ns माइनस nr बटा ns गुणे 100। ये होता है दोस्तों परसेंट स्लिप का फॉर्मूला। लेकिन इस स्लिप के लिए ना दोस्तों हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, देखिएगा 60 हर्ट्ज, तो आप यहां नोट करिए 60 हर्ट्ज। और पोल कितने हैं, तो पोल है टोटल दोस्तों 4, है ना, कितने हैं 4 टोटल पोल है। चार काटेगा 120 को दोस्तों कितने बार में, 30 बार में, 3 × 6 = 18 कितना है, 6 × 18 1800 आरपीएम आपको क्या प्राप्त हो गया, इसका सिंक्रोनस स्पीड। तो इस प्रकार से सिंक्रोनस स्पीड निकालिएगा। देखिए जो स्लिप है दोस्तों कितना है, 1800 माइनस और 1760 आरपीएम पर यह चल रही है बटा 1800 गुणे 100 करिए और आंसर तक पहुंच जाइएगा। ये दोस्तों एक रास्ता है आंसर तक पहुंचने के लिए, है ना। देखिए दो जीरो दोस्तों उड़ा देगा 100 को, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40, है ना, 40 बटा 18। अब इसको भाग दीजिएगा, 18 × 36, है ना, 2.22, यानी कि 2.22 ही जाएगा। देखिए हम स्लिप निकाल रहे हैं परसेंट में दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, 0.02 आपका आंसर मिल जाएगा। कितना, 0.02 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आज के पहले क्वेश्चन का आंसर निकल करके आता है। दोस्तों ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ना, ये आपको बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन रोकने का काम करता है। लेकिन दोस्तों हम भी इसको दोस्तों अपनी ताकत दिखा देंगे कि सिलेक्शन ये किस प्रकार से रोक लेता है हमारी, है ना। अगर दोस्तों अगर बाजुओं में लड़ने का दम हो ना दोस्तों, तो आगे से दोस्तों कोई भी आ जाए कोई परवाह नहीं है, है ना। 1000 आरपीएम पर चल रहे एक 6 पोल ध्रुव प्रत्यावर्तित पर उत्पादित वैद्युत वाहक बल की आवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए वही फॉर्मूला ns बराबर 120 गुणे fs बटा p, यही एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, इसी फॉर्मूला को पकड़िए और आंसर तक पहुंचेगा। हमें क्या पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी माय डियर, तो देखिएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र ns गुणे p बटा 120। दोस्तों सूत्रों को उलट फेर करना आना चाहिए आपको, है ना, यही तो दोस्तों गेम है, यही आपको सीखना है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, ns, ns कितना है, तो आपको दे रखा है प्यार से 1000 गुणे पोल भी दे रखा हो दोस्तों, 6 पोल दे रखा है ना, और 120 को आपको क्या करना है, नीचे रखना है, डिवाइड करना है, 6 काटेगा दोस्तों, 6 × 12 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20
5500 है ना, ये 50 हर्ट्ज हो गया, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 50 हर्ट्ज, और यही दोस्तों आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ऑप्शन दोस्तों देखिए बी इसका भी सही है और 122 नंबर का भी बी सही है। आप दोस्तों पकड़ते रहिएगा हर एक पॉइंट, हर एक जो कंटेंट है दोस्तों ये आपके काम के लिए बताया जा रहा है। 124 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है जिसमें 4 एम्पियर की करंट प्रवाहित कराने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 16 वोल्ट हो तो वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ईएमएफ आपको बताना है कितना होगा। सुनिए, टोटल आपको आउटपुट ईएमएफ कितना मिल रहा है ना, आउटपुट में जो आपको ईएमएफ प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 16 वोल्ट है, यानी कि अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है, कुछ ना कुछ परसेंट अंदर भी ड्रॉप हो जाता है, वो है वी बराबर आईआर से। ये जो आपको आईआर है ना दोस्तों, ये भी किसको बताती है, ये भी वोल्टेज को ड्रॉप के, वोल्टेज के ड्रॉप को ही बताती है। तो आई इसमें से देखिए कितना है, 4 एम्पियर का करंट बह रहा है और 0.4 ओम का इसमें रेजिस्टेंस है ना, 1.6 वोल्ट अंदर क्या हो जा रही है, ड्रॉप हो जा रही है आंतरिक रेजिस्टेंस के कारण। तो आप इसमें इसको ऐड करिएगा, 1.6 वोल्ट बराबर हो जाएगा 17.6 वोल्ट, और यही आपका फिलहाल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 125 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 125 नंबर कि 0.5 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस और 180 वोल्ट पश्च वैद्युत वाहक बल फोर्स, यानी कि ईएमएफ का मान 180 वोल्ट है, 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर द्वारा कर्षित वर्तमान कितनी होगी। दोस्तों ये जो वर्तमान है ना, ये एक निमी लैंग्वेज है, और वर्तमान का मतलब होता है करंट से, है ना, तो वर्तमान आपको ज्ञात करना है। क्या सूत्र बनेगा, आर्मेचर करंट बराबर वी माइनस बैक ईएमएफ वटे आर्मेचर का रेजिस्टेंस, यही सूत्र तैयार होगा। अब यहां से आपको देखिएगा वोल्टेज 200 दिया गया है ना, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, 200 माइनस बैक ईएमएफ, देखिए बैक ईएमएफ है ना, ये कितना है बैक ईएमएफ, 180 वोल्ट है ना, तो 180 वोल्ट बटा आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 200 में से 180 घटाइए और 20 पाइएगा, है ना, 0.5 में पॉइंट कटेगा तो दोस्तों एक लड्डू ऊपर बटेगा, 200 में आपको 5 को भाग देना है यानी कि डिवाइड करना है, तो ये कितने बार में काटेगा दोस्तों, 5 चौके 20 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40 एम्पियर, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, 40 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से दोस्तों इनका आंसर हम निकाल पा रहे हैं, अगर दोस्तों साथ आपका होना तो मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी आंसर हम निकाल सकते हैं चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 126 है कि 60 माइक्रो एम्पियर की वर्तमान को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करिए, बदलिएगा दोस्तों, बदलने का तरीका क्या है वो सीखना है आपको। देखिए सबसे पहले जो माइक्रो एम्पियर है ना, इसको आपको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, किसमें, मिली एम्पियर में, तो माइक्रो का मान 10^-6 और इसका जो मान है 10^-3 होता है, अगर इसमें आप माइनस करेंगे ना तो पाएंगे 10^-3 ही होगा, है ना, तो ये मिली एम्पियर है, 10^-3 नहीं लिखा है लेकिन मिली एम्पियर यहां पर लिख दिया गया है, वहां पर उसका मान है। तो देखिए आपको 60 जो है ना, इसको क्या करना है कि 1000 से दोस्तों भाग दे देना है, और जब 1000 से भाग दे देंगे ना तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.06 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार से बदलना है। और ये जो बदलने वाला सिस्टम है ना दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 127 को पूरे क्लास को देखना माय डियर, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, हर प्रश्न आप ही के लिए है, हर प्रश्न दोस्तों आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। एक तापमान 220 वोल्ट पर चालित है और इसकी दक्षता 99%, वाओ क्या दक्षता है, ऊर्जा की खपत 1.5 किलोवाट प्रति आवर है, तापक का निवेश वर्तमान कितना है। ये जो आपको 1.5 किलोवाट है दोस्तों प्रति आवर, ये क्या है, पावर है, प्रति हावर पावर है, तो आई बराबर क्या होता है, पी बटा वी, यही से आपको आंसर मिलेगा। पावर कितना है आपको दे रखा है, 1.5 गुणे किलो है दोस्तों, तो यहां पर 1000 हो जाएगा, और वोल्टेज कितना दिया गया है, 220
है ना, हाँ 220 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों 1500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 220। ये कितना हो जाएगा 1500 और 220 से आपको भाग देना है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए कितने बार में भाग जाएगा, 22 छक्के 132, 22 सिक्का 132, तो 6 बार में भाग जाएगा। और 150 में से 132 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, हाँ 18, भाग न खाए लब्धे सुन, 180 हो गया। अब 22 का पहाड़ा कितने बार तक जाएगा, 22 सत्ते 22 सिक्का 22 अट्ठे 8 बार में जाएगा, 22 अट्ठे 176 है ना, 6.8। बस बस दोस्तों आपको मिल गया आंसर। अब देखिए 6.82 एम्पियर इसका सही आंसर है। जब और पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना, एग्जाम में आपके पास इतना वक्त नहीं रहता दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया ना, बस हो गया, आप समझिए आंसर यही है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 128 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की धारिता प्रतिघात क्या होगा, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के एक्स सी बराबर 1/2πfc के बारे में ये बात कर रहा है ना। देखिए इस सूत्र से हम आगे बढ़ते हैं, 1/2 का मतलब है दोस्तों, पाई का मतलब होता है 3.14 गुणे एफ का मान कितना है 50 माइक्रोफेरड, ठीक है, तो 50 माइक्रो है दोस्तों, ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 10^6, तो इसको हम तोड़ कर लिखते हैं दोस्तों 10, यानी कि 1/1000 लिख देते हैं, ठीक है ना, आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। सी कितना है 100 हर्ट्ज है, सी है 100 हर्ट्ज। आप एग्जाम में कोशिश करिएगा कि चीजों को कितना हम कट कर सकें और चीजों को कितना हम छोटा बना सकें। देखिए अभी ये पॉइंट कटेगा तो डबल लड्डू बटेगा, ये हो गया। देखिए 100 से 100 कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 50 काटेगा इसको दोस्तों 20 बार में, है ना, कितने बार में, 5 × 10, हाँ 20 बार में, तो गया 2 काट देगा 20 को 10 बार में, ठाकुर तो गियो, क्या बचा यहां पर, देखिए 10 और 1000, ये और 10000 हो गया, और फिर 314 बचा नीचे 314। अब इसको अगर आप भाग देते भी हैं तो कितने बार में भाग जाएगा, 3 × 9, 3 बार से अधिक नहीं जाएगा। और इत्तिफाक की बात है दोस्तों कि ऑप्शन भी एक ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 3 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, जब आप करके देखेंगे दोस्तों, मैं यहां पर कितना भी आपको क्यों ना बता दूं, हजार बार बता दूं, लेकिन दोस्तों अगर जब तक संघर्ष आपका नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा अगर कमी आपके अंदर है ना, तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाती है, कमी अपने अंदर मत रहने दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129 नंबर क्या कहता है कि 2% प्रतिरोध की निचली सीमा 147 है, नाम मात्र मूल्य कितना है, नाम मात्र मूल्य आपको बताना है। अब इसका आंसर कैसे हो गया यार, इसके लिए तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, 2% है ना, अगर दोस्तों 100% में से माइनस करते हैं 2% तो मुझे कितना मिलेगा, 98% मिलेगा, ठीक है, 98% हो गया। और 147/98 है ना, 98% का मतलब 100 होता है, अगर हम यहाँ 2 जीरो कर दें तो क्या आ सकता है, आप कैलकुलेशन करिएगा, मुझे लगता है शायद तक आंसर मिल सकता है आपको, है ना, 14700 में से भाग दीजिएगा 98 का, और शायद तक आंसर इसका दोस्तों 150 होना चाहिए। ये आप करके देखिएगा, है ना, ये आप करके देखिएगा दोस्तों, कुछ आपको भी करना है, ठीक है ना। संतुलित परिस्थितियों में तीन कलीय प्रणाली सिस्टम का उदासीन तार में कितने एम्पियर का करंट वर्तमान ले जाएगी, 0 एम्पियर का यार, क्योंकि देखिए ये है आपका स्टार वाइंडिंग, है ना, ये क्या है वाई फेज, ये है आपका बी फेज, है ना, आर वाई और बी फेज है, 3 टोटल फेज है, यहीं से हम शॉर्ट करके दोस्तों एक क्या निकाल देते हैं, अर्थिंग। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर आपके घर के बाहर लगा हुआ है ना, उस ट्रांसफॉर्मर में क्या है कि प्राइमरी तो डेल्टा में कनेक्ट है, लेकिन
लेकिन सेकेंडरी ना दोस्तों, सेकेंडरी से हमें न्यूट्रल निकालना है, इसीलिए हम यहां से स्टार वाइंडिंग लगाते हैं और उसमें तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट करके एक पॉइंट निकाला जाता है जिसको ग्राउंड किया जाता है और न्यूट्रल को भी ग्राउंड करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर में तीन अर्थिंग लगी होती, पहला न्यूट्रल वाली यानी कि न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया जाता है और दूसरी फेस वाली और तीसरी ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से भी, यानी कि उसकी जो बॉडी है उसकी करंट लीकेज होगी ना तो वो भी ग्राउंड हो जाए। तो देखिए इसमें देखिए अगर मान लीजिए 15 वाट का इसमें लोड कनेक्ट है, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए है ना 15 वाट का लोड कनेक्ट है, तो इसमें से क्या 0 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होगा, कुछ करंट प्रवाहित होगा ही नहीं है ना। तो वही पूछा गया है कि न्यूट्रल में क्या करंट प्रवाहित होगा, तो दोस्तों नहीं होगा, लेकिन यह इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, उसमें दोस्तों कभी भी वो ट्रांसफॉर्मर बैलेंस लोड की कंडीशन में होता ही नहीं है। रात के 12 बजे अगर आप देखेंगे तो भी वो दोस्तों उसमें 2-4% अनबैलेंस पाएंगे आप, और हमेशा न्यूट्रल से करंट प्रवाहित होती रहती है ना। तीन एक समान इंपीडेंस, जोरदार क्वेश्चन आया है, प्रत्येक का प्रतिरोध 20 ओम और प्रतिघात 15 ओम है, 400 वोल्ट तीन कला 50 हर्ट्ज सिस्टम के साथ स्टार में जुड़ी हुई है, लाइन करंट कितनी होगी। देखिए स्टार में क्या होती है माय डियर, लाइन करंट और फेज करंट एक समान होता है, कैसा होता है लाइन करंट, ये दोनों एक समान होते हैं। इंपीडेंस देखिए सबसे पहले आपको ना जेड ज्ञात करना है, जेड बराबर क्या होता है दोस्तों अंडर रूट, अंडर रूट में देखिए आर स्क्वायर कितना है 20, तो आपको करना है 20 प्लस है। ये क्या है प्रतिघात 15, तो 15 का करिएगा वर्ग है ना, 15 का वर्ग करिए। अब देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 20 हम तो हो जाएगा 400 प्लस 15 15 हम 225 है ना, और जेड बराबर क्या बन जाएगा 625 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 और ये 25 का वर्ग है, सिंपल सी बात है। तो जेड आपको मिल गया 25। देखिए यहां से आपको क्या ज्ञात करना है लाइन करंट, तो लाइन करंट ज्ञात करिए या फेज करंट दोस्तों, तो देखिए हम फेज करंट ही ज्ञात करते हैं, फेज करंट वाला बराबर फेज वोल्टेज अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 कहां से आया है ना, ये आया दोस्तों तीन फेज है, स्टार सिस्टम है ना, तो तीन फेज है, अंडर रूट 3 गुणे फेज का इंपीडेंस है ना, फेज का इंपीडेंस, तो फेज में वोल्टेज दिया गया है 400 वोल्ट बटा अंडर रूट 3 1.732 इसका मान होगा, और ZP यानी कि ये जो आपको मिल रहे हैं दोस्तों ये सब फेज का इंपीडेंस है, तो ZP कितना मिल गया है वो मिला है 25। जितना आसान कर सकते हैं कर लीजिए, पॉइंट काटिए, पॉइंट कटेगा तीन तीन लड्डू बटेगा ठीक है ना, 25 काट देगा इसको चार बार में, ये हो जाएगा 40, 4 × 16 यानी कि 20, ये 30 हो गया 17 32। अब इसको भाग दीजिएगा और आंसर पाइएगा, भाग दीजिएगा आंसर पाइएगा, जो सबसे पहले भाग देगा सबसे पहले आंसर पाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा है ना। बस दोस्तों इस क्लास को ना शेयर करते रहना यार, बस इस क्लास को शेयर कर लेना, पहली बार दोस्तों अगर आप इस क्लास में मौजूद हुए हैं तो आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, रोजाना आइएगा और 8 बजे दोस्तों आपको बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सलूशन मिलेगा, वो भी मुफ्त में है ना। तो देखिएगा ये जो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी बन गया आंसर, यानी कि कई सारे क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों बी बन रहे हैं ना, आप चीजों को समझते रहिएगा, पकड़ते रहिएगा चीजों को। बाकी देखना है दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन को, किसी आदर्श ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी पर कितने वर्तन है 1200 और द्वितीयक पर कितने हैं वो है 600, प्राइमरी पक्ष में चालक वोल्टता 110 और लोड रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है, करंट परिणमन अनुपात क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है ना, करंट परिणमन अनुपात। देखिए दोस्तों जो K होता है ना इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो दोस्तों ये होता है N2 बराबर N1 या फिर दोस्तों K बराबर होता है I2 बराबर I1 या फिर होता है K बराबर V2 बटा V1। तो ये जो आपको आपको दोस्तों फॉर्मूला लिखा दिया ना, ये बड़ा काम की फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा।
इसमें से एक भी चीज का आपने निकाल लिया, सबका आंसर सेम आएगा। इसमें से किसी भी एक का निकाल लीजिए। तो हम दोस्तों देखिए, हमें करंट का पूछा गया है, करंट तो है नहीं, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न जरूर दिया गया है ना। तो यहीं से क्यों ना निकाल लें, के बराबर एन टू है 1200, सॉरी द्वितीयक पर 600 है यार, 600 बटा 1200 है ना। ये 600 काटेगा 12 को दो बार में, तो क्या बन जाएगा 1/2। इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। तो 0.5 दोस्तों N1 N2 का रेशियो भी आएगा, I1 I2 का भी आएगा, V1 V2 का भी आएगा। तो आंसर भी हमारा यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 0.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। 1 किलोवाट के वैद्युत सर्किट को कितने घंटे के लिए चलाएं, कितने घंटे के लिए किसी मशीन को चलाएं, कि देखिए कि 1 किलोवाट जो घंटा है वैद्युत एनर्जी का उपभोग किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, 1 घंटे तक चलाइए, बिल्कुल दिल खोल कर चलाइए दोस्तों, क्या टेंशन है आपको, है ना। यदि फ्यूज का निर्धार धारा 10 एम्पियर है तो संलग्न धारा क्या होगी। ये तो वही वाली बात होगी दोस्तों कि बर्दाश्त से अधिक अगर ट्यूब में आप हवा भरेंगे तो आपकी ट्यूब क्या होगी, फट जाएगी, है ना, ट्यूब आपकी फट जाएगी। बर्दाश्त से अधिक आपको हवा नहीं भरना है, वही है दोस्तों, बर्दाश्त से अधिक इसमें फ्यूज से अगर करंट प्रवाहित होगी ना तो ये फ्यूज क्या हो जाएगी, जल जाएगी या पिघल जाएगी। तो 10 एम्पियर दोस्तों इसकी रेटिंग है, 10 एम्पियर से अधिक इसमें करंट चलती है तो क्या हो गया, ये दोस्तों फ्यूज उड़ जाएगी, है ना। और हम भी यही चाहते हैं, बर्दाश्त से अधिक करंट चलने पर हमारे सर्किट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक कैपेसिटर की पट्टिकाएं हैं, वो 0.15 वोल्ट पृथक्करण है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, पहली बार आपके सामने आया है। अगर क्षेत्र ताकत 500 है तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, है ना। देखिए 500 है गुड़े 0.15, ये 0.15, बिल्कुल आंसर आ गया ना, 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट कितना आ गया, 15/75, है ना यार, यही तो आंसर भी आपका 15/75 वाला आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चीजें दोस्तों देखिए, चीजों को जब समझेंगे ना तो आंसर अपने आप बोलेगा, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा कि ऐसे सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन है और शिद्दत से पढ़िएगा इसको, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, यानी कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पर करती है, इतना कंटेंट दे दूंगा इस पर दोस्तों कि आने वाले दोस्तों 6 साल तक अगर कोई एग्जाम होता है तो भी यही कंटेंट काम करेगा। सुनिए, रिवर्स रिकवरी टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन सुनना, रिवर्स रिकवरी टाइम का एक दोस्तों ट्रिक देता हूं, जादू देता हूं आपको, 2qRr/di/dt, है ना, 2qRr/di/dt 1/2, ये क्या है, किसी भी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला। एक है दोस्तों IRR, है ना, IRR ज्ञात करने का फॉर्मूला, 2qRr/di/dt ये एक सूत्र है, और 1/2 और लटका दीजिएगा। यह क्या है, रिवर्स रिकवरी करंट ज्ञात करने का सूत्र। एक होता है माय डियर QRR बराबर 1/2 × TRR × IRR, ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र है। तो तीन दोस्तों सूत्र मिल गया। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई सा भी डायोड हो, TRR का मतलब होता है कि अगर किसी डायोड को हम बंद करते हैं तो बंद होने सप्लाई जैसे ही स्विच ऑफ करें तो तुरंत उसमें से धारा का प्रवाह रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ दोस्तों माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में, कुछ सेकेंड ऐसे होते हैं कि उतना टाइम लगता ही है उस करंट को जीरो होने में, है ना, और उसको ऑन होने में भी जीरो कुछ टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, अगर जर्मेनियम का बना हुआ डायोड है तो जब तक उसमें 0.3 वोल्ट तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक उस डायोड में करंट का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि दोस्तों टाइम लगा ना, कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगा ऑन होने में, और मिली सेकेंड का टाइम या माइक्रो सेकेंड का टाइम ऑफ होने में भी लग जाता है, है ना। तो ये रहे दोस्तों आज के विशिष्ट प्रश्नों का दोस्तों टोटल इंफॉर्मेशन, और इसकी दोस्तों टोटल क्वेश्चनों की तबाही, आपके नोटबुक तक इसका सॉल्यूशन पहुंच गया है। देखिएगा दोस्तों, स्किल टेस्ट को जरूर देखिएगा DRDO का, और क्या पूछा जाता है इस चीज को आप जरूर पकड़िएगा कि कौन कौन से ऐसे ऐसे दोस्तों
यूनिट है जिसमें से आपको अध्ययन करना है, और वही दोस्तों आपको अध्ययन करके जाना है। दोस्तों पिछले बार विगत वर्षों में जो स्किल टेस्ट हुआ है डीआरडीओ का ना, वो दोस्तों उसी के अनुसार हमने इस एपिसोड में हमने उसी के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये दोस्तों पूछा जा चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी दोस्तों पूछा जा सके। माना कि जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्डअप कर रही है दोस्तों, दिन दोगुना रात चौगुना बिल्डअप कर रही है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, चीज़ें और जो आपकी सिलेबस है दोस्तों, ये रात को चौगुना और दिन को दोगुना नहीं बदल रही है ना, सिलेबस तो आपकी वही है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस क्लास को, इस एपिसोड को जरूर देखना चाहिए। अब दोस्तों बताइएगा, मैं आपकी दिल की राय जानना चाहता हूं कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा, और दोस्तों चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस यही आपसे एक उम्मीद है, यही आपसे एक खुराक चाहिए। बाकी दोस्तों जो आपके अंदर जुनून है ना, उस जुनून को दोस्तों मैं सल्यूट करता हूं। थैंक यू।